हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको जो बीए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर का जो फर्स्ट पेपर है वो मैं करवा रहा हूं। तो हमारा जो चैप्टर है ओड टू ए नाइटिंगेल, तो इसका जो मैं आज आपको लास्ट स्टेंजा करवाने जा रहा हूँ। इसके बाद हम डायरेक्ट शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं स्टेंजा पढ़ाना, ठीक है। Thou was not born for death, immortal word। यानी कि जो पोएट है वो नाइटिंगेल से बोल रहा है कि Thou was not born for death, यानी कि तुम मृत्यु के लिए पैदा नहीं हुई हो। इमोर्टल बर्ड, तुम कैसी हो? तुम एक शाश्वत पक्षी हो, अमर पक्षी हो। तुम्हारे लिए मृत्यु नहीं बनी है। नो हंग्री जनरेशंस ट्रीड दी डाउन, यानी कि और ना ही हंग्री जनरेशंस मतलब जो आज की जो नई जनरेशन है जो एक दूसरे के खून की प्यासी है, वो क्या कर सकती है? तुम्हें ना ही ये नीचा दिखा सकती है, ठीक है। द वॉइस आई हियर दिस पासिंग नाइट वाज हर्ड, ये जो आवाज मैंने सुनी है ये कब सुनी है? जब ये रात जो है वो गुजर रही थी तब सुनी उसने आवाज। ऐसी आवाज कब सुनी जाती थी? वाज हर्ड इन एंशिएंट डेज, पुराने दिनों में, पुराने जो प्राचीन समय है उन दिनों में ऐसी आवाज सुनी जाती थी। बाय एम्परर एंड क्लाउन, राजाओं और महाराजाओं के द्वारा। परहैप्स शायद, द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पैथ, यानी कि यही जो गाना है, शायद यही जो गाना है फाउंड अ पैथ थ्रू द सैड हर्ट ऑफ रुथ वैन सिक फॉर होम। रुथ यहाँ पर एक करेक्टर है जो प्राचीन काल में था, तो रुथ एक नाम है एक लड़की का। तो यही सॉन्ग जो है किसने सुना होगा? रुथ ने सुना होगा। दैट फाउंड अ पैथ, और उसके लिए एक रास्ता मिला होगा। थ्रो द सैड हर्ट, जब उसका दिल दुखी होगा। वैन जब, सिक फॉर होम जब वो घर से उदास निकली होगी। द स्टूड इन टीयर्स एमिड द एलियन कॉर्न, और वो घर से जब उदास निकली होगी तो खड़ी हो गई होगी कहाँ पर आकर? आंखों में आंसू भरे हुए अनाज के खेत में। द सेम दैट ऑफ्ट टाइम्स हैथ, और यही जो है अक्सर कौन सुनता होगा? हैथ सुनता होगा। हैथ भी एक कैरेक्टर है। यही सेम सॉन्ग जो है अक्सर अपने समय में हैथ सुनता होगा। चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फोम ऑफ पेरिलस सीज इन फेरी हैंड्स फॉर लॉर्न, ठीक है। क्या मीनिंग है इसका? एक जादुई किला है, उस जादुई किले की खिड़की से आवाजें निकलती होंगी इसी प्रकार की डरावनी, जो कहाँ पर है? इन फेरी लैंड्स फॉरलोर्न, जो किसी एक अनजान जगह पर समुद्र के बीचों बीच बना हुआ है, ठीक है। रेफरेंस हमारा सेम एज अबव, और कंटेक्स्ट भी सेम एज अबव, यानी कि जो पिछले के स्टेंजाज में रेफरेंस और कंटेक्स्ट होगा वही जो है इस स्टेंजा में भी होगा। एक्सप्लेनेशन पर पढ़ते हैं, ठीक है। किड्स वांट्स टू डाई वाइल लिसनिंग द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, फॉर दैट इज दैट हैप्पीएस्ट मोमेंट कीट जो है वो मरना चाहता है वाइल लिसनिंग सुनते हुए द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, यानी कि जो नाइटिंगेल का बुलबुल का जो सॉन्ग है उसका सॉन्ग सुनते हुए वह मृत्यु को प्राप्त होना चाहता है। फॉर दैट इज दैट हैप्पीएस्ट मोमेंट, और यही जो पल है उसके लिए सबसे खुशी वाला पल होगा। एंड और देयरफॉर मोस्ट एप्रोप्रिएट टू डेथ, और यही सबसे अच्छा कारण होगा मृत्यु को प्राप्त होने के लिए। While he is thus thinking of death for himself, जब वह अपनी मृत्यु के बारे में सोच रहा होगा, he becomes conscious of the immortality of the world, वह सचेत करता है किसको? ऑफ द इमोर्टलिटी ऑफ द वर्ल्ड, वह किसको सचेत करता है? इमोर्टैलिटी जो है उसकी जो पावनता है या उसकी शाश्वतता है, अमरता है उस पक्षी की, उसके बारे में उसको सचेत करता है कि तुम मरने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम एक अमर पक्षी हो। द पोएट कंसीडर्स द नाइटिंगेल एज इमोर्टल, जो पोएट है वो कंसीडर बताता है नाइटिंगेल को एज इमोर्टल, अमर बताता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, इट इज नॉट डिस्टिनेटेड टू डाई, यानी कि उसके अनुसार उसके नसीब में मृत्यु ही नहीं है। इट इज नॉट सब्जेक्ट टू रुथलेस स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, यह किसका? बेरहमी या बेरहम संघर्ष का एग्जिस्टेंस या उसका विषय नहीं है। एज, जो कि द जनरेशंस ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर, जो कि किसका है ये विषय? किसका है ये विषय? तो है जो ह्यूमन बीइंग्स की जो नई जनरेशन है उसका विषय है। द ह्यूमन बीइंग्स आर एवर हंग्री फॉर वन अनदर्स ब्लड, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जो आज के मनुष्य हैं, आर एवर एंग्री, हमेशा भूखे रहते हैं, फॉर वन अनदर्स ब्लड, एक दूसरे के खून के। हैंग्री, हंग्री यहाँ पर प्यासा है, ठीक है, प्यासे रहते हैं एक दूसरे के खून के। बट द नाइटिंगेल इज फ्री फ्रॉम दिस ह्यूमन बाइस, लेकिन जो नाइटिंगेल है, जो बुलबुल है, वो फ्री है, मुक्त है फ्रॉम हिज ह्यूमन बाइस, अपनी मानवीयता से, इस ह्यूमन संसार से क्या है? मुक्त है। इट्स सन्स हैज एवर बीन अ सोर्स ऑफ जॉय टू ह्यूमन बीइंग्स, और इसके जो सन्स यानी कि इसके जो बच्चे होंगे वो भी क्या हो सकते हैं? एक सोर्स हो सकते हैं, कि स्रोत हो सकते हैं, किसके? ऑफ जॉय टू ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य के आनंद का, मनुष्य के मनोरंजन का एक क्या हो सकते हैं? सोर्स हो सकते हैं। द सॉन्ग विच द नाइटिंगेल इज सिंगिंग, यानी कि गाना जो नाइटिंगेल गा रही है, दिस पासिंग नाइट इज द सेम, यह वही रात है जो गुजर रही है, विच मस्ट हैव बीन हर्ड एंड एंजॉयड बाई द रिच एंड द पुअर अलाइक सेंचुरीज एगो, यह वही रात है, यह वही आवाज़ है जो ये रात गुजर रही है, जिसको सुनकर लोग इंजॉयमेंट लेते थे, इंजॉय करते थे, बाई द रिच एंड द पुअर अलाइक सेंचुरीज, जो पिछले के अमीर और गरीब लोग जो हैं उस तरीके की जो आवाज़ सुनते थे, आवाज़ को, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, अब से कई शताब्दियों पहले। द आइडेंटिकल सॉन्ग मस्ट हैव ग्रेटिफाइड द ईयर्स ऑफ आ सीजर और आ चार्लिन मैग्ने, द हस्बैंड मैन और द पीजेंट ऑफ द कंट्री साइड, यानी कि जो आइडेंटिकल सॉन्ग, यानी कि ये जो जाना माना जो सॉन्ग है, मस्ट हैव ग्रेटिफाइड, ग्रेटिफाइड करता है, क्या करता है? संतोष देता है, किसको? द ईयर्स ऑफ, किसके कानों को? सीजर और आ चार्लेज मैग्ने, द हस्बैंडमैन, यानी कि सीजर कौन है? एक हस्बैंडमैन है, बहुत ही रिच मैन है। और द पीजेंट, और जो किसान है ऑफ द कंट्री साइड के। चार्ले मैग्ने कौन है? ये किसान का नाम है, कंट्री साइड का एक। यानी कि ये दोनों को ही उतना ही संतोष देता है। अकॉर्डिंग टू कीट्स, कीट्स के अनुसार द वर्ड सिंग इज इमोर्टल, यानी कि जो पक्षी का ये सॉन्ग है वो कैसा है? इमोर्टल है। द इमोर्टैलिटी ऑफ द नाइटिंगेल लीड्स द पोएट, जो पावनता है, जो अमरता है नाइटिंगेल की, वो लीड्स ले जाती है द पोएट बैक टू द बिब्लिकल पास्ट, अपने बिब्लिकल पास्ट, बीते हुए दिनों में, एंड द पास्ट ऑफ लेजेंडरी रोमांस, और जो उसके रोमांटिक डेज थे जब वो यंग था उन दिनों में ले जाते हैं। फर्स्ट ही टेक्स एन एग्जाम्पल फ्रॉम द बाइबल, पहले वो क्या देता है? पहले वो एग्जाम्पल देता है किसका? फ्रॉम द बाइबल, बाइबल से एक एग्जाम्पल लेता है। द सॉन्ग विच द पोएट इज लिसनिंग टू दिस नाइट वाज आल्सो हर्ड बाई रुथ, यानी कि जो सॉन्ग जो है, जो इस रात में, इस रात्रि में वह पोएट जो सुन रहा है, ये क्या है? ये किसके द्वारा भी सुना गया है? रूथ। किसके द्वारा? रूथ के द्वारा भी। रूथ क्या है? बाइबल का एक कैरेक्टर है। हु स्टूड बीपिंग इन अ, हु स्टूड बीपिंग इन अ कॉर्नफील्ड अवे फ्रॉम हर नेटिव लैंड, जो खड़ा हुआ है और रुदन कर रहा है, रो रहा है, इन अ कॉर्नफील्ड अवे, अपने घर से दूर एक खेत में, फ्रॉम हर नेटिव लैंड, अपने घर से दूर, अपने जो नेटिव लैंड है उसके रहने का स्थान है वहाँ से। हियर रूथ वर्कड इन द फील्ड ऑफ हर हस्बैंड्स रिलेटिव, यहाँ पर जो रूथ है वो क्या है? काम करती है इन द फील्ड ऑफ हर हस्बैंड्स रिलेटिव, अपने जो हस्बैंड, उसके पति का जो रिश्तेदार है उसके यहाँ क्या करती है? उसके खेत में काम करती है। बट हर हर्ट वाज डिप्रेस्ड, लेकिन उसका हर्ट जो है वो कैसा है? डिप्रेशन में है, एंड होम सिक, और बीमार है। इन सच मूमेंट्स द सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल गेव कंसोलेशन टू रुथ, और इन पलों में जो नाइटिंगेल का जो सॉन्ग है कंसोलेशन देता है, सांत्वना देता है किसको? रुथ को। कीट्स मीन्स टू से, कीट्स का कहने का अर्थ है दैट द मेलोडियस वॉइस ऑफ द नाइटिंगेल इज द सेम एज इट वॉज वेन रुथ हर्ड इट, यानी कि ये वही मेलोडियस वॉइस है नाइटिंगेल की जो रूथ ने सुनी थी उस समय पर। देन कीट्स टेक्स अप अ रोमांटिक इल्यूजन टू इलिस्ट्रेट हिज आइडिया, तब कीट्स जो है वो एक कदम उठाता है किसका? रोमांटिक इल्यूजन का, यानी कि भ्रमित होने का, भ्रम होने का, टू इलिस्ट्रेट हिज आइडिया, अपने जो उसके पल हैं, आइडिया, उसके जो मत हैं उनको भ्रमित करने का। अकॉर्डिंग टू हिम द वॉइस इन विच द नाइटिंगेल इज सिंगिंग, यानी कि उसके अनुसार जिस आवाज़ में जो वह नाइटिंगेल गा रही थी, एट दिस टाइम, इस समय पर, इज द सेम एज फेल विद अ डिलाइटफुल और विविचिंग इफेक्ट अपॉन द विंडोज, यह वैसा ही साउंड है, वैसा ही गाना है जो क्या है? बहुत ही रमणीय है। क्या है? रमणीय है और बिविचिंग, यानी कि मोहित करने वाला है, इफेक्ट अपॉन, जो निकलता है, प्रभाव, द विंडोज ऑफ अ कैसल दैट स्टूड इन अ सी शोर, किसकी? एक महल, जो महल है, जो एक जादुई घर है, उसकी खिड़कियों से निकलता है। दैट स्टूड ऑन द सी शोर, जो कहाँ पर है भैया? समुद्र के किनारे पर बसा हुआ है, रखा हुआ है। कीट्स हियर वांट्स हिज रीडर्स टू इमेजिन अ फेयरी कैसल, कीट्स यहाँ पर चाहता है कि उसके जो रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, वो इमेजिन करें, कल्पना करें, ए फेयरी कैसल, एक परियों के महल की एक जादुई महल की स्ट्रेंज एंड इंचेंटेड, जो अनजान है और कैसा है, इंचेंटेड है, गूंज रहा है, सिचुएटेड इन सम डिसोलेट और लोनली लैंड, और जो बसा हुआ है या स्थित है कहाँ पर, सम डिसोलेट और लोनली लैंड, उजड़ा हुआ या फिर जो एकदम वीरान जगह है वहां पर। दिस इज परहैप्स, यह शायद इसलिए है कि अ कैसल इन विच सम ब्यूटीफुल मिडन और प्रिंसेस इज इम्प्रिजन्ड, यह शायद इसलिए भी है कि जो वो कैसल है यानी कि वो जो महल है उसमें कोई सुंदर सी परी या फिर कोई शहजादी क्या है, कैद है, क्या है, कैद है। The windows of the castle open towards the strong ocean with foamy waves striking against one another, यानी कि जो खिड़कियां हैं वो खुलती हैं किसकी, महल की, towards the strong ocean, किसकी तरफ, एक बड़े से समुद्र के साथ की ओर, with foamy waves striking against one another, जहां पर जिस समुद्र में जो है क्या है, जो धाराएं हैं, वेव्स हैं, लहरें हैं, वो एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं, स्ट्रैक्स कर रही हैं। द मिडन स्टैंडिंग एट द विंडो विद अ सैड हर्ट, और जो अकेली उस महल में, जादुई महल में जो अकेली एक प्रिंसेस है जो कैद है उसमें, वो उस विंडो से देख रही है विद अ सैड हर्ट, एक दुखी हृदय के साथ। लिसन्स टू द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल, और सुनती है नाइटिंगेल का सॉन्ग। ठीक है, तो ये हमारा स्टेंजा क्या पूरा हो गया। तो हमारा जो ओड टू अ नाइटिंगेल है, इसके सारे जो इम्पोर्टेंट स्टेंजास थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ। चैप्टर बाय चैप्टर करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन अलग करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चंस अलग करेंगे, और जितना इजी लैंग्वेज में हो पाएगा उतने इजी लैंग्वेज में मैं आपको कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक हमारे साथ क्या है, जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए, धन्यवाद।